अगली खबर उज्जैन से आ रही है, जहां प्राचीन 56 भैरव मंदिर में भगवान भैरवनाथ को 1500 तरह की खाने पीने की चीजों का भोग लगाया गया है। इनमें 60 किस्म की देसी विदेशी शराब, 22 तरह की बीड़ी सिगरेट, 30 अलग अलग तंबाकू और सादे पाउच से लेकर अफीम, चिलम, भांग और गांजा शामिल है। बुधवार देर रात इस अनूठे महाभोग के श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। रात 12 बजे महाआरती हुई। भोग का यह प्रसाद श्रद्धालुओं में बांट दिया गया। उज्जैन में भागसीपुरा स्थित काल भैरव मंदिर में शराब चढ़ाने की परंपरा है, लेकिन बुधवार रात भैरव अष्टमी थी, इसी वजह से यहां 1500 तरह की खाने पीने की चीजों का भोग लगाया गया। इंदौर के एक श्रद्धालु नीरज देसाई यहां 18 साल से हर साल अष्टमी पर काल भैरव को भोग लगा रहे हैं। उनकी ओर से ही सबसे ज्यादा भोग लगाया जाता है। वे ऐसा अपनी पत्नी और माँ के स्वप्न की वजह से कर रहे हैं। इसकी कहानी आगे जानेंगे। यह मंदिर अति प्राचीन है। यहाँ भैरव बाबा की 56 प्रतिमाएं एक ही स्थान पर होने से इनका नाम चमत्कारी 56 भैरव पड़ा। पुजारी पंडित व्यास ने बताया कि राजा भृथरी और सम्राट विक्रमादित्य भी यहाँ आकर पूजा करते थे। अवंतिका तीर्थ के अष्ट भैरव में इनकी गणना होती है। भैरव अष्टमी पर 56 भैरव का मंदिर मदिरालय के रूप में नजर आ रहा था। पकवानों के साथ देसी विदेशी मदिरा की कई बोतलें भी रखी हुई थी। इतना ही नहीं, बाबा को सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक्स आदि भी भोग स्वरूप परोसी गई। 18 साल से हर अष्टमी पर भोग लगाते आ रहे इंदौर के नीरज देसाई ने बताया कि 2004 में एक साथ उनकी माँ कला देवी और पत्नी डॉक्टर संतोष देसाई को भैरव भगवान ने दर्शन दिए। उन्होंने 56 भोग लगाने के लिए कहा। सुबह माँ और पत्नी ने अपने इस सपने के बारे में बताया। मैंने इसे गंभीरता से लिया। इंदौर से उज्जैन अपने मायके आकर पहली बार 56 भैरव को 60 प्रकार की मदिरा का भोग लगाया। इसके बाद 300 तरह का भोग लगाया, फिर 450 और अब 1500 चीजों का भोग लगाया है। पुजारी पंडित राजेश व्यास ने बताया कि ब्राह्मण होने के कारण हम लोग बाबा को शराब का भोग नहीं लगाते थे। हमारे घर में मांस मदिरा प्रतिबंधित है। यही वजह रही कि हम बाबा को भी मदिरा नहीं चढ़ाते थे। जब साल 2004 में बहन को बाबा ने स्वप्न दिया, तो फिर तभी से बाबा को मदिरा का भोग लगाने लगे।